आज मैं जो बताने वाला हूँ सीजीएल 2011 में पूछा गया है, और यह जो वन बस सब्स्टिट्यूशन है, इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको एलडीसी सीजीएल 2017 और सीजीएल 2018 में भी ये काम करेगा, और जो सीजीएल 2017 का जो मेन होने वाला है उसमें भी यह बहुत जरूरी काम करेगा। ये मेन के लिए भी मान के चलिए तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि ए पर्सन मतलब एक आदमी हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं है, टू पे ऑफ अदा करने के लिए, हिज डेब्ट, डेब्ट मतलब कर्ज होता है, तो मतलब वैसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं है कि हम अपने कर्ज को अदा कर सके, मतलब किसी से पैसा लिए या कोई कंपनी पैसा लेकर के अपना चालू किया कंपनी या डूब गया कंपनी, तो उसके पास पूरा कंगाल हो गया, तो उसे कहते हैं कि ए पर्सन हु हैज नो मनी, एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, टू पे ऑफ हिज डेब्ट मतलब जो कर्ज लिए उसको अदा करने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या हो गया, मेरा दिवालिया निकल गया, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया, इंसॉल्वेंट भी कह सकते हैं, इसको बैंकरप्ट भी कह सकते हैं, बैंक आर यू पी टी, बैंकरप्ट, इसका मतलब होता है गरीब, जो कि इसके लायक सूट नहीं करता है, मतलब वो पहले अमीर होगा, बिजनेस चालू किया, बिजनेस डूब गया, दोनों गरीब हुआ, उसके पास पैसा नहीं रहा, इसके साथ तो इसका कोई रिलेशन होगा ही नहीं। डेस्टिट्यूट मतलब भी गरीब होता है, और आपका पापर, पापर भी एक वर्ड है, गरीब मतलब जिसको जीने के लिए पैसा उसके पास है ही नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, पॉपर, पॉपर एक वर्ड होता है, पॉपर का मतलब होता है ए पर्सन हु हैज नो मनी ऑफ लाइवलीहुड, जस्ट लाइक ए बेगर, एक भिखारी के जैसा, तो क्या हो गया, गरीब हो गया, ए बेगर, बेगर। उसी प्रकार देखिए वर्ड्स मतलब शब्द, अटर कहा जाता है, इम्पियसली, इम्पियसली अधर्म, गलत बात, अधर्म से या गलत तरीके से, किसके विषय में, गॉड के विषय में, बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो गॉड को अपशब्द कहते हैं, है ना, जैसे गॉड के विषय में हुआ अपशब्द बोलते हैं, तो एमोरल क्या होता है, एमोरल अनैतिक हो गया, अनैतिक हो गया, एमोरल अगर हम लेते हैं तो एमोरल एक वर्ड है, वो धर्मी जिसे कह सकते हैं, वो धर्मी भी कह सकते हैं आप इसको, ये नहीं होगा। फिलोसफी मतलब हो गया कि ज्ञान का, ज्ञान का प्रेमी, फिलोसफी किसे कहते हैं, जो ज्ञान विद्या को श्रेय देने वाला है ना, विद्या श्रेय या विद्या प्रेम, विद्या प्रेम जैसा एक वर्ड हो गया। लॉजिक मतलब हो गया तर्क, जबकि ये भी इसका आंसर नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब होता है इस निंदा मतलब जो भगवान का निंदा करता है, भगवान के बारे में अशब्द बोलता है, धर्म से बोलता है ना, गलत बोलता है, गलत ले से गलत तरीके से बोलता है, किसके विषय में, भगवान के विषय में, तो भगवान को वो क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, ब्लास्फेमी इसका आंसर होगा। तो देखिए अभी क्यूबल, क्यूबल एक वर्ड है, क्यूबल जो होता है एक वर्ड होता है जो टाल मटोल हम लोग करते हैं, क्यूबल को, क्यूबल मतलब एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है टाल मटोल, टाल मटोल करना, क्यूबल का अर्थ होता है टाल मटोल करना। प्रीमेडिएट मतलब कोई भी चीज के विषय में हम पहले से सोच समझ के कोई भी कदम उठाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंसीडर अ डिजाइन बिफोर, पहले से विचार कर लेना, इसका अर्थ होता है पहले से विचार कर लेना। दूसरा होता है प्रीनोमिनेट, पहले से नाम दे देना, पहले से नाम होना। प्री भैरी बैरिकेड, प्री बैरिकेड एक बात होता है जिसका अर्थ होता है घुमा फिरा कर बोलना, घुमा फिरा कर बोलना। तो इसके अनुसार आपको क्या लग रहा है, क्यूबल का सही आंसर क्या होना चाहिए, प्री बैरिकेड। एक होता है प्रीपोंडेरेट, प्रीपोंडेरेट जो वर्ड होता है, प्रीपोंडेरेट मतलब होता है वजनदार होना, वजनदार। देखिए उधर तीन को बताए थे, इधर देखिए चौथा में है कि वन मतलब जो हु, जो हम लोग जो कंपाइल करते हैं, कंपाइल एक वर्ड होता है, कंपाइल का अर्थ होता है COMPIL, कंपाइल मतलब संग्रह करना, संग्रह करना मतलब कि कोई भी चीज का जो हम संग्रह करते हैं, मतलब कि बहुत से ऑथर का बुक को लेते हैं, उसको संग्रह करके एक बुक बनाते हैं, उसे कहते हैं कंपाइल। तो क्या बोल रहा है, वन हु कंपाइल, वह जो कंपाइल करता है मतलब संग्रह करता है एक डिक्शनरी, एक डिक्शनरी को, डिक्शनरी मतलब शब्द को, उसको उसे क्या कहते हैं। जियोग्राफर, जियो अर्थ देख लिया, धरती से संबंधित जियोग्राफर भी तो होगा नहीं। लेक्सिकोग्राफर, इसका अर्थ होता है शब्द को संग्रह,
कोष संग्रह, है ना। उसके बाद आप देखिए, ये तो आंसर यह हो गया। आप देख सकते हैं आप, लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट मतलब होता है कि कोई भी चीज, मतलब जिसका हम तो स्किल वर्कर होता है, कोई भी चीज का स्किल वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स कोई भी चीज का स्किल वर्कर्स, हु कट्स एंड इनग्रेव प्रीशियस स्टोन, स्टोन का स्किल वर्कर ऑफ स्टोन, मतलब वो स्टोन के विषय में उसको पूरे तरह से नॉलेज रहता है, पत्थर के विषय में नॉलेज, पत्थर के विषय में जानकारी, कैसे बनता है स्टोन, तो उसे कहते हैं लैपिडिस्ट, जिसका अर्थ होता है पत्थर के विषय में नॉलेज रहता है, उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। उसी तरह लिंग्विस्टिक, मतलब होता है बहुभाषी, बहुभाषी मतलब जिसको बहुत सारा नॉलेज हो भाषा का, उसे क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक, बहुभाषी। उसी प्रकार होता है एक टेस्ट, करवाया जाता है जिससे कोई रोग के बारे में पता चलता है या रोग को दूर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोप्सी। बायोप्सी एक टेस्ट का नाम है। बायोप्सी क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। बायोप्सी क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, इसे कहते हैं बायोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है, मित्र एंड मृत बॉडी का जांच, मृत बॉडी का जांच, मतलब कि वह जैसे ऑटोप्सी एक होता है कि जैसे आदमी मर गया उसके बॉडी को जो जांच करते हैं उसे कहते हैं ऑटोप्सी, मृत बॉडी का जांच, जो कि नहीं होगा। ऑपरेशन, कोई भी चीज का ऑपरेशन करना है वो होगा नहीं। एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन का अर्थ होता है अंग काटना, अंग काटना। तो देखिए, मैंने शब्द का, शब्द का अलग अलग अर्थ आपको बताया, सबका हिंदी बताया, इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह का अगर आपको वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा हम उतना ज़्यादा वीडियो देंगे।